हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 ध्वनि अर्थात साउंड के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अपनी बुक के अंदर जो पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। अपने चैप्टर का नाम है ध्वनि। ध्वनि के बारे में पहले समझते हैं, ध्वनि क्या है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो मनुष्य या प्राणी के कानों में संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक। इसी चैप्टर पर आधारित ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किस रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है, इस पर बात की गई है, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तो बात पहले करें, ध्वनि हमेशा कंपन के कारण उत्पन्न होगी। किसके कारण? कंपन के कारण। तो जैसे ही किसी कंपमान वस्तु से उसके आसपास के जो या अपने पास जो माध्यम है उस माध्यम के कणों को भी वो क्या करती है, कंपमान कर देती है। और ये कंपमान कण अपने आसपास के कण को भी कंपमान करते हैं। कंपन के कारण कण हैं वो अपनी मूल अवस्था से लेगा और वो अपनी ऊर्जा को आगे वाले कण को देगा और ऊर्जा देकर पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ऐसा प्रत्येक कण आगे वाले कण को करता है, अर्थात एनर्जी का अर्थात ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है। तो अपन कह सकते हैं कंपन के कारण माध्यम के कण कंपन गति करते हैं तथा इस कंपन के रूप में ऊर्जा के विक्षोभ के रूप में ध्वनि है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो अपन कह सकते हैं केवल कण है वो गति नहीं करे, कण केवल कौन सी गति करेंगे, कंपन गति करते हैं तथा ध्वनि के कारण उत्पन्न विक्षोभ होगा वही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि माध्यम के कणों को कंपमान कर देते, कण कंपमान वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक पहुँचते, बल्कि कंपमान वस्तु सबसे नज़दीक वाले माध्यम के कण अपने संतुलन अवस्था से विस्थापित होते हैं, ठीक है, विस्थापित हो और निकटवर्ती कण को बल लगाकर उसे भी क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं और पुनः वापस अपने मूल अवस्था में हो जाते हैं। ये माध्यम में ये तब तक चलती रहेगी जब तक ध्वनि है वो अपने कानों के अंदर नहीं पहुँचेगी। तो अपन कह सकते हैं इस तरह माध्यम के में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। आप जानते हैं कि ध्वनि है जो घंटी है वो किससे बनी होती है, धातु से या फिर अपन कह सकते हैं मिश्र धातु से। जैसे ही घंटी को आप हथौड़े से या किसी वस्तु से कंपमान करते हैं या चोट लगाई जाती तो वो घंटी है वो कंपमान होगी। कंपमान होने के कारण उसके पास अन्य माध्यम के कण होंगे वो भी क्या होंगे, कंपमान होंगे। और उस कंपन के कारण जो माध्यम अर्थात हवा के अंदर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और वह विक्षोभ किस रूप में गति करता है, तरंग रूप में गति करता है जो हवा में आगे कानों तक पहुंचाता है। माध्यम के कण तो उसमें कान और उसके बीच कैसे गति करते हैं, दोलन गति करते हैं और विक्षोभ होता है वो आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार हमारे विद्यालय की घंटी ध्वनि उत्पन्न करती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे। अब आप जानते हैं ध्वनि है वो को संचरण होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि है वो ठोस द्रव तथा गैस तीनों माध्यम के अंदर गति कर सकती है लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती। अब गति के दौरान जो कण एक दूसरे को ध्वनि का संचरण करते हैं तो आप जानते हैं वहाँ पे ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है,
तो ऊर्जा स्थानांतरण के कारण ही अपन इसको क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंगे कहते हैं, या फिर यांत्रिक तरंगे इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? अब सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर माध्यम अर्थात हवा वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति बोलेगा तो इसके पास खड़े व्यक्ति को भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो माध्यम अर्थात वायुमंडल क्या है, अनुपस्थित होता है। इसलिए चंद्रमा की सतह पर यदि अपने पास व्यक्ति बोलेगा तो अपन को सुनाई नहीं देता है। अगले क्वेश्चन पे आए, तरंग का कौन सा गुण निर्धारित करता है प्रबलता और? अब प्रबलता अपने पास देखा जाए तारत्व और प्रबलता दोनों चीज़ क्या है, जनरली अपन देखा जाए तो एक ले लेते हैं लेकिन एक चीज़ नहीं है। प्रबलता ध्वनि की प्रबलता आयाम का निर्धारण करती है, जितना अधिक आयाम होगा, जैसे अपने पास बात करें एक ये तरंग है और दूसरी ये तरंग है, तो किसकी प्रबलता अधिक होगी, इसकी प्रबलता अधिक है इसकी प्रबलता कम है, जबकि एक ही तरंग है ये तरंग, इसका आयाम बराबर है लेकिन इस प्रकार की तरंग है अर्थात प्रति सेकंड यहाँ पर कंपन अधिक होंगे, तो यहाँ पे कंपन की आवृत्ति का निर्धारण कौन करता है, तारत्व कहता है, जिसकी अधिक आवृत्ति होगी उसका अधिक तारत्व होता है और जिसका आयाम अधिक होगा उसका अधिक प्रबलता होती है, तो ये प्रबलता और तारत्व के बीच क्या है, संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किसमें ध्वनि का तारत्व अधिक है, गिटार या कानकार का हारन। तारत्व का मतलब जितने प्रति सेकंड जितने अधिक कंपन होंगे उतना, जितने अधिक कंपन होंगे उतने ही अधिक दूरी तक ध्वनि सुनाई देती है, तो गिटार बजाए और एक कार की ध्वनि हॉर्न, तो कार का हॉर्न की जो तारत्व होगा वो क्या होगा, अधिक होता। अब आगे क्वेश्चन देखें, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। ठीक है, बात करें अपन तरंग की, सपोज करें ये अपने पास क्या है, एक तरंग। ठीक है, इसकी पहले बात करें विकल्पन या फिर इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होगा कि कोई भी तरंग गति के दौरान एक कण होगे कंपन करते हुए या एक दोलन के अंदर जितनी दूरी तय करेगी उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये जो तरंग है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य, और ये एक दोलन है, क्या है, तो एक दोलन के अंदर तय की गई दूरी क्या कहलाती, तरंग दैर्ध्य। अब बात करें आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति को अपन लेते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, तो एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो एकांक समय के अंदर होने वाली या एकांक समय में होने वाली दोलनों की कुल संख्या या कंपनों की कुल संख्या को अपन क्या कहते हैं, कहते हैं। अब बात करें आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होगा कि तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए या फिर एक लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य तय दूरी तय करने में जो लगा समय या एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। दूसरे शब्दों में आवर्तकाल कहे कि संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलों के निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहता है।
और आवर्त काल को अपन किससे व्यक्त करेंगे? समय सेकंड से। किससे? सेकंड से। फिर आयाम किसी तरंग संचरण के माध्यम को कणों के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, जैसे ये तरंग है, ये अधिकतम विस्थापन वाई मैक्सिमम को ही अपन क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहलाता है? ठीक है, इसका मात्रक दाब घनत्व का मात्रक होता है। इसकी प्रबलता मृदुता मूलतः इसके आयाम से, जितना अधिक आयाम होगा उतनी ही ध्वनि क्या होगी? प्रबल होगी। ठीक है, ये चीज आयाम कहलाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति तथा उसके वेग में क्या संबंध? तो तरंग का वेग v इज इक्वल टू होता है n इंटू n, कहलाती है आवृत्ति लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा क्या कहलाती है? तरंग देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखें। किसी दिए गए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति n इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 220 हर्ट्ज और v दे रखा है 440 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो तरंग देते का परिकलन कीजिए। ध्वनि तरंग की आवृत्ति v ये। ठीक है, तो ध्वनि तरंग तरंग देते v इज इक्वल टू n लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v, लैम्डा v इज इक्वल टू n लैम्डा। n की जगह यहाँ पे न्यू से दर्शाते दर्शा दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन आवृत्ति। ठीक है, तो 440 अपॉन 220 तो कितना आएगा? 2 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास। अगला, किसी ध्वनि स्रोत के 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है, तो स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने में वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? ठीक है, ये अपने पास लैम्ब्डा दे रखा था, तरंग दे दर 450 मीटर, आवृत्ति दे दी एन कितनी? 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो स्रोत से पहुंचने में तो आवर्त काल बराबर क्या होगा? 1 अपॉन आवृत्ति। तो अपन पास कह सकते हैं आवर्त काल बराबर 1 अपॉन n, तो t बराबर 1 अपॉन 500, तो कितना होगा? 0.0002 सेकंड। ठीक है, तो इतना समय लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा है नोट्स कि दो क्रमागत संपीड़नों के बीच लगा हुआ समय अर्थात आवर्तकाल टी वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात समय है वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ओके, ये केवल जांच की जा सकती है। ठीक, कोई बात। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की प्रबलता और तारत्व के बीच में। देखा अपन वैसे देख चुके हैं कि प्रबलता क्या होती है? उसके अधिकतम आयाम को, और तीव्रता होती है वो उसके आवृत्ति को प्रदर्शित करती। अब प्रबलता क्या है? वैसे जितने अधिक लाउड जोर से आवाज़ बोलते हैं अपन के लाउड स्पीकर, तो वो किसको बताएगा? प्रबलता को व्यक्त करता है, अर्थात जितने अपने कानों के अंदर संवेदनशीलता का माप क्या है? प्रबलता है। ठीक है, वो तेज या मृदु ध्वनि को भी प्रदर्शित करता है। जबकि तीव्रता क्या है? एक तरह से किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्र पर से गुजरने वाली जो ध्वनि ऊर्जा है, एक सेकंड के अंदर जितनी ऊर्जा गुजरती है वही क्या कहलाते हैं? ध्वनि की तीव्रता। ठीक, दूसरा, इसका प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, अर्थात कानों की संवेदना पर निर्भर करती है, जबकि ये सभी के लिए समान होती है। प्रबलता को अपन किस में लेते हैं? डेसिबल में लेते हैं, जबकि इसका मात्रक वाट पर मीटर होता है।
ये ऊर्जा को व्यक्त करता है और ये प्रबलता डेसिबल। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि, आपको पता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? ठोस माध्यम में, तो किस में होगा? लोहे के अंदर, वायु, जल। ठीक, चलो इसके आगे वाले क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर करेंगे, तब तक अपन धन्यवाद। ओके।